Let's continue with revision of area related to circles. Question number 55 में आपको क्या बोला है? In the given figure 22, this is the figure. इसमें हमको क्या दिया है कि सर्कल है, बीओसी लुक्स टू बी अ डायमीटर, और हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया तो एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर ऐसे भी ज्वाइन किया हुआ है और ये पोर्शन शेडेड है. हमको इन दोनों शेडेड पोर्शंस का एरिया का सम निकालना है. अगर कंडीशंस क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर 22 ओ इज द सेंटर, एसी 24 एबी 7, एसी 24 एबी 7. AC is 24 and AB is 7. Pythagoras लगाओगे आपको पता है 24 7 तो diameter क्या आ जाएगा? It will be 25. ये आपका 25 आ जाएगा. अब हमको बोला है इधर BOD 90, ये angle 90 mentioned है कि angle BOD 90 है. तो बेटा shaded portion का area निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सेमी सर्कल के एरिया में से तो ये ट्राइंगल माइनस करेंगे और इस क्वाड्रेंट का एरिया प्लस करेंगे, है ना. आपका एनसीईआरटी का जो पोर्शन है उसमें सिर्फ ये दोनों पोर्शन निकालना है, इसमें क्वाड्रेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है. तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी क्वेश्चन. तो आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? हाफ पाई इज 22/7, डायमीटर 25 है तो रेडियस आपकी क्या होगी? 25/2 × 25/2. ये हमारा क्या हुआ? एरिया ऑफ सेमी सर्कल. इसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज हाफ बेस इंटू हाइट. ये एंगल 90 है तो बेस 7, हाइट 24, हाफ इंटू 7 इंटू 24, और इसमें हमें ऐड करना है इस क्वाड्रेंट का एरिया, दैट इज 1/4 π 22/7, और रेडियस इसकी भी यही है 25/2 × 25/2. एक्चुअली यदि आप इस पर ध्यान देते हाँ, ये वाली वैल्यू, ये हाफ पाई आर स्क्वायर है, ये 1/4 π r² है. हाफ और 1/4 को हम ऐड कर देते तो ये 3/4 डायरेक्टली हो जाता. हाफ प्लस 1/4 इज 3/4. तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है इसको हम एक ही बार कर देंगे, 3/4 π 22/7, रेडियस 25/2 × 25/2, और माइनस ये कैंसिल हुआ, 12 × 12 = 84. तो ये कैलकुलेशन करके वो माइनस करना है, 2 से कैंसिल हुआ 11, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 का स्क्वायर 625 मल्टीप्लाइड बाय 11 × 3 = 33 डिवाइडेड बाय 4 × 7 × 2, 7 × 4 = 8 × 7 ऐसे भी लिख सकते हो. अब आपको इन सबको डिवाइड करना है तो आप इंडिविजुअली डिवाइड कर लो बजाय इसके कि मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें. आप ऐसे डिवाइड कर लो जैसे हमने किया 8 से 8 × 4 = 32 बचेगा 1, तो डेसिमल लग गया. 8 × 1 = 8 बचेगा 2, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, 4.125. नाउ यू कैन डिवाइड दिस बाय 7 या 625 को 7 से डिवाइड कर दो, तुम्हारी मर्जी. हाँ तो मैं इसको यदि करूंगी तो ये 0.75 × 35 = 6, 62, 7 × 8 = 56 = 665, फिर 7 × 9 = 63, अराउंड 0.589 के करीब वैल्यू आ गई. हाँ तो 0.589 को मल्टीप्लाई करें 625 को 0.589 से, तो 25 × 9 = 225 होता है, तो 25 बचेगा 2, 9 × 6 = 54 or 256, 5625, 25 × 8 = 200, 32, 6 × 8 = 48 or 250, 25 × 5 = 125 बचेगा 1, 5 × 6 = 30 or 131. ये आपकी वैल्यूज आ गई 5, 2, 11, 7, 8, 6, 3. डेसिमल 3 प्लेसेस छोड़ के 368.125 में से हमको माइनस करना है 84. तो ये 0.125 तो एज इट इज 8 − 4 = 4, 36, 16 − 8 = 8, 284.125. ये आपका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? In the a school has decided to give scholars wages to its scholar students, and they were designed as shown in figure 7.
PQR is the diameter of a circle of radius 10.5. Radius 10.5 मतलब 21 upon 2. और diameter 21 the length PQQR answer equal find the perimeter of the shaded portion the area of the shaded portion. इस शेप के वेजेस दे रहे हैं. हाँ ये जो डिजाइन है ये वाला वेज दे रहे हैं इस डिजाइन का. सर्कल विथ सेमी सर्कल्स ड्रॉन लाइक दिस. PQRS में हमको बोला है डायमीटर है इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5. ये डायमीटर है जिसकी रेडियस 10.5 है. तो PQRS डायमीटर विथ रेडियस 10.5. ये डायमीटर है रेडियस 10.5 मींस दिस इज 21. तो 21 के 4 इक्वल पार्ट्स. हाँ PQQRS मतलब तीन पार्ट्स. चार पॉइंट लगाने से तीन पार्ट हुए. तो 21 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो एक पार्ट आपका कितना आया 7. तो इस पोर्शन का डायमीटर 7 और इस पोर्शन का डायमीटर क्या हो गया 14. और इस बड़े वाले पोर्शन का डायमीटर तो आपका 21 है. तो अब हमें क्या करना है, एक तो हमें पेरीमीटर निकालना है इस वाले पोर्शन का कि हम यहाँ से यहाँ जाए और ऐसे वापस आ जाए. तो पेरीमीटर ऑफ दिस पोर्शन. तो पेरीमीटर निकालने के बेटा क्या होगा कि इस सेमी सर्कल का पाया, फिर इस सेमी सर्कल का पाया, फिर इस सेमी सर्कल का पाया. तीन सेमी सर्कल है फिर डिफरेंट रेडियस और सबका हमको पाई आर निकालना है. तो आप देखें तो पाई मल्टीप्लाइड बाय एक की रेडियस आर वन, एक की रेडियस आर टू और एक की रेडियस आर थ्री वन. तो पाई के बेटे के कॉमन. अब हमारी पाई की वैल्यू तो 22/7 है. एक की रेडियस इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हुई 7/2. इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हुई 7. इसका डायमीटर 21 है तो इसकी रेडियस क्या होगी 21/2. अभी आपको क्या दिख रहा है कि 7/2 और 21/2 एंड ओके 28/2. 28/2 इज 14, 14 प्लस 7 21. तो ये इफेक्टिवली बन रहा है 22/7 × 21. ये कैंसिल हुआ 3. आंसर आपका आ गया 66 सेंटीमीटर. दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस पोर्शन. यहाँ से यहाँ तक यदि आप ट्रेवल करोगे तो इसके अलॉन्ग पेरीमीटर ये आ गया. अब हमसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. तो हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालेंगे तो हमें इन्हीं सेमी सर्कल्स का एरिया निकालना है. पर अब की बार क्या होगा, इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये वाला माइनस होगा ये प्लस होगा. और एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपका क्या होता है हाफ पाई. तो हाफ पाई तो सब में आएगा. बड़े वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर मतलब 21/2 का स्क्वायर माइनस ये वाला, तो इसका रेडियस है 7 का स्क्वायर और प्लस होगा 7/2 का स्क्वायर. ये कैलकुलेशन आएगी अब की बार आपकी. हाँ तो ये आप जितना कम स्टेप पे कर सकोगे उतना बेहतर है आपके लिए. ये हाफ पाई 22/7, 21/2 का स्क्वायर इज 441/4 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर होगा प्लस 49/4. अभी हमको क्या दिख रहा है, 4 के टू टेक इट कॉमन. यदि हम एलसीएम ले या हम इन दोनों को ऐड कर दे, हाँ 2 से तो ये कैंसिल हो गया 11. 11/7 × हम इसमें से एक 7 भी कॉमन ले सकते थे बिना मल्टीप्लाई के. 7 कॉमन ले रहे थे बाहर 7 आता. यहाँ पर बचता 21/7 मतलब 7 × 7 = 147/4. यहाँ आता 7, यहाँ आता 7/4. ये कैंसिल हो जाएंगे. अभी हम इसको देखें तो 147 में 7 ऐड किया तो क्या बचेगा 154 4 × 3 = 12 बचेगा 4 × 3 = 12 बचेगा 3 = 34 4 × 8 = 32 4 × 8 = 32 फिर बचा 2 तो 4 × 5 = 20 38.5 में से 7 माइनस कर दे तो क्या बचेगा 38.5 माइनस 7 इज 0.5 एज इट इज 8 - 7 इज 1 31.5 मल्टीप्लाइड बाय 11 मतलब दो बार 31.5 ही लिखना है आपको. तो 0.5 5 + 1 = 6 3 + 1 = 4 3 डेसिमल दो प्लेस छोड़ के 34.65 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. तो ये कंसेप्ट याद रखो कि क्या करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन फिगर 8 ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ओ सर्कल का सेंटर है. इस सर्कल का भी सेंटर ओ है. फिर क्या बोला है, एंड ए बी इज इट्स डायमीटर. Another circle with AC is diameter is drawn touching the first circle internally at A. AB 42 है और BC 7 है. दूसरा सर्कल भी हमने ऐसे ही ड्रॉ किया कि उसका ये AC डायमीटर है.
एक का डायमीटर एसी है, एक का डायमीटर एबी है। अब हमको क्या बोल रहा है कि यदि एबी की वैल्यू 42 है, बीसी 7 है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालना है। एबी की वैल्यू, एबी इज 42 एंड एसी इज 7, बीसी इज 7, बीसी इज 7, एसी 42 है, बीसी 7 है, बीसी 7 है, और हमको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। मतलब हमको बड़े वाले सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आएगा। तो हमें छोटे सर्कल की रेडियस चाहिए, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये ए बी 42 है, मतलब बड़े सर्कल की रेडियस क्या हो गई 21। हाँ, और छोटे सर्कल का हमको डायमीटर कैसे मिलेगा, यदि हम ए बी में से बी सी को माइनस कर दें तो 42 माइनस 7 35, ये क्या हो गया ए सी, ए सी छोटे वाले सर्कल का डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या होगी 35/2, और बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी 42/2, दैट इज 21, और हमको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, तो पाई मतलब सॉरी 22/7 लिख दे डायरेक्टली, पाई की जगह 22/7 इंटू 21 स्क्वायर माइनस 35/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्टली। तो 21 स्क्वायर माइनस 35/2 आप चाहे तो 17.5 लिख सकते हैं। तो एक बार 21 में से 17.5 माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, तो 22/7 इंटू 21 में से 17.5 का 18, 33.5 ऐड करोगे 0.5 सात 38.5, ये कैंसिल होगा 0.5 आएगा, 22/5 मींस 11 हो गया, तो 385 इंटू 385 भी करना है, तो आंसर क्या आएगा 42.35। तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया 42.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह का केस जब दोनों सर्कल का डायमीटर सेम लाइन पर है, तो बड़े वाले के डायमीटर में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो छोटे का डायमीटर आ गया। बस यही था, बाकी तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना, कि रेडियस निकालो सर्कल्स का एरिया माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बढ़िया ये बोर्ड्स में आया हुआ भी है, इसमें आपको क्या दिया है बेटा कि ये जो है एक सर्कल है, लाइट कलर, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सेक्टर है ए ओ पी, ये रेडियस आ रही है, एंगल थीटा है। अब आपने क्या किया, इसको एंड को और इसके लाइन को एक्सटेंड किया, दोनों मीट कर गए किसी पॉइंट पी पर। तो ये जो डायग्राम बना है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये है, इन फिगर ओ इज शोन एज सेक्टर ओ ए पी, सेक्टर ओ ए पी है सर्कल का, विद सेंटर ओ कंटेनिंग एंगल थीटा, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और हमें क्या दिया कि ये एंगल 90 है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ओ ए एंड मीट्स ओ पी प्रोड्यूस एट बी, इसको एक्सटेंड करने पर इसको मीट कर रहा है डी पर। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन आपका कौन सा है, सिर्फ ये वाला, तो हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ये लेंथ ऑफ आर्क लेना पड़ेगी, हमें पी बी की वैल्यू लेना पड़ेगी, और हमें ये पॉइंट जो है हमारा इसकी वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। तो हम ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री हमको यूज करनी पड़ेगी, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये पहले प्रूफ डेट में तो आता था, अभी ऐसा तो नहीं आना चाहिए, पर कभी आ जाए तो, क्योंकि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार तो कर ही लेना चाहिए कि आपको ऐसा ना लगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई। पी ए बी, अच्छा मेरा ए थोड़ा वो हो गया बाहर की तरफ, ए ये पॉइंट पे आएगा, दिस पॉइंट इज ए, ठीक। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो भी निकालना है उस हिसाब से हम काम करें। तो सबसे पहले तो हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, ये पूरी लेंथ ऑफ आर्क चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क एपी हुई, एपी की लेंथ, ये 2 से इसको आपने कैंसिल कर दिया, थीटा अपॉन 180πr हो गया, थीटा अपॉन 180πr, ये आपका इतना पोर्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमको चाहिए वैल्यू एबी की और एपी की, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो हम एबी की और हमें रेडियस पता है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो
परपेंडिकुलर और बेसमैन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन यूज करते हैं, 10, तो हम यहाँ लगा दें 10 थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन ओ ए होगा, तो 10 थीटा की वैल्यू ए बी हमें पता नहीं है और ओ ए तो रेडियस है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, आर उधर चला गया मल्टीप्लीकेशन में, आर 10 थीटा, तो हमारा एक पार्ट और आ चुका है कि ये जो साइड है इसकी वैल्यू आर 10 थीटा है। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है, तो हम ये इतना सा पोर्शन तो नहीं निकाल सकते पर हम ये पूरा ओ बी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ओ बी कैलकुलेट करने के लिए हम देखें तो हमें जो आंसर में प्रूव करना है आर 10 थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा ऐसे नहीं देखोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है। आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा देखो कैसे आएगा, यदि हम ऐसे सोचे हमको नहीं पता कि क्या लाना है, हम सिंपली नॉर्मली सोचे तो ये रेडियस हमें पता है, हमें सब चीजें रेडियस और एंगल थीटा की टर्म में चाहिए, तो हमें आर पता है दैट इज बेस और ये क्या है हाइपोटेनियस, तो हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ तो हमने यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो कॉस थीटा क्या होगा आर अपॉन ओ बी यही होगा। अब मुझे वैल्यू ओ बी की चाहिए, हाँ बट हमें वो वैल्यू किसकी चाहिए ओ बी की, तो ऑब्वियसली ओ बी इधर जाएगा कॉस थीटा इधर आएगा, तो ओ बी इक्वल टू क्या हो गया आर अपॉन कॉस थीटा एंड वन अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, ऑटोमेटिकली वो सेक थीटा बन जाएगा, तो ये बन गया आर सेक थीटा, तो ये तो ओ बी की वैल्यू है, बट व्हाट वी नीड बी पी, तो पी बी या बी पी को हम क्या बोल सकते हैं, पी बी कैन बी रिटन एज ओ बी माइनस ओ पी एंड ओ पी तो रेडियस हुई ना, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो हम इसको क्या लिखेंगे पी बी को ओ बी की जगह लिखेंगे आर सेक थीटा माइनस आर, ये आपका आ गया। तो हमारे तीनों पार्ट्स आ चुके हैं, एक पार्ट हमारा थीटा पार्वरिटी पाया है, एक पार्ट हमारा आर टेन थीटा है, तीसरा पार्ट हमारा आर सेक थीटा माइनस आर है, हम इन सबको प्लस कर दे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए हम क्या लिखेंगे थीटा अपॉन 180 बाय आर प्लस आर टेन थीटा प्लस आर सेक थीटा माइनस आर, ये हमारा पेरीमीटर हुआ पूरे शेडेड पोर्शन का। अभी आपको क्या नजर आ रहा है सबके पास एक आर है टेक इट कॉमन, तो आपको सबके पास आर नजर आया, आपने आर बाहर लिख दिया तो फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 180 पाए प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस आर चला गया तो वन आएगा, आर इंटू वन ही आर होगा, यदि जीरो मतलब नहीं लिखोगे तो आर खत्म हो जाएगा, आर है तो मल्टीप्लाइड बाय वन, तो ये आपका आंसर आएगा पाई थीटा अपॉन 180 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। हाँ ये बोर्ड्स में मतलब दो तीन साल पहले आया था क्वेश्चन फोर मार्क्स में, हाँ कभी आ जाए तो कंसेप्ट याद रखो कि इस तरह से निकलता है, डरने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से अभी यही सोचना, ट्रिग्नो लग सकती है, यहाँ भी एंगल है आपके पास और एक एंगल 90 डिग्री एक एंगल थीटा या जो भी मैंने पता है। अब एन एनजीओ हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ कैंपेन अबाउट द कंज्यूमर सर्विसेज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कस्टमर कोड्स एंड देयर बेनिफिट्स फॉर द सेम पर्पज इट मेक सम वेजेस इन द शेप एज शोन इन द फिगर 24। अब ये कैसे भेज दे रहे हैं इस तरह के डिजाइन के, ठीक है ये अब आपको क्या बोला है फॉर द सच दैट ए बी बी सी सी डी डी ई सबकी वैल्यू 21 है, ए बी बी सी सी डी डी ई सबकी वैल्यू 21, तो हमें क्या निकालना है हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास दो चीजें पूछते हैं तो पेरीमीटर पूछते हैं या एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है सबसे पहले कि ये डिजाइन और ये डिजाइन एकदम आइडेंटिकल है ना, एग्जैक्टली सेम है, तो हम एक का एरिया या एक का पेरीमीटर निकाल के डबल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमको पूरा दो बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यूज भी हमारी सेम है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पर देखें कि यदि मैं पेरीमीटर कैलकुलेट कर रही हूँ तो मुझे इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस प्लस इस छोटे सेमी सर्कल का प्लस इस छोटे सेमी सर्कल का यही ऐड करना है फॉर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर, यू नीड टू मूव लाइक दिस, तो आपका पेरीमीटर मतलब क्या हो गया पाई मल्टीप्लाइड बाय बड़े वाले की रेडियस को हमने बोल दिया कैपिटल आर और ये छोटे छोटे की रेडियस को बोल दिया स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज 21 और बड़े वाले की रेडियस क्या हो गई मतलब स्मॉल आर इज एक्चुअली 21 अपॉन 2, इसका डायमीटर 21 है,
बड़े वाले की रेडियस 21 है, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, पाई आर प्लस आर, तो दो बार स्मॉल आर प्लस एक बार आपकी क्या आएगी कैपिटल आर, तो स्मॉल आर प्लस आर इज एक्चुअली 2R, पर 2R आर की वैल्यू क्या है 21/2, तो ये क्या हो गया पाई इंटू 2 × 21/2 प्लस ये है 21, ये कैंसिल हो गए 21 42, तो ये वैल्यू बहुत ही आसानी से आ जाएगी पाई 22/7 इंटू ये वैल्यू आ गई 42, 7 6 42, 22 6 132। ये हमारा किसका है, हमारा एक एक बैच का एक पार्ट का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर आया, तो हमें दो पार्ट से तो इसका डबल कर दे, तो पेरीमीटर भी पूछा होता तो इसका डबल कर दे, तो आंसर क्या आता 264 सेंटीमीटर। और यदि आप कुछ लेस लगा रहे होते कुछ भी ऐसा बोला होता गोल्डन वायर सिल्वर वायर, तो 264 सेंटीमीटर लेंथ इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आपका क्या होता है बेटा कि आपको एरिया बोल दिया कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये वाला सेमी सर्कल माइनस करना है, ये प्लस करना है, तो इफेक्टिवली आप देखो बड़े सेमी सर्कल में से जो एक माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, तो यदि मैं इसकी जगह ये दोनों एक दूसरे को इलिमिनेट कर रहे हैं एरिया माइनस एक का एरिया प्लस कैंसिल आउट हो गए, तो इसका एरिया एक्चुअली सिर्फ एक सेमी सर्कल के एरिया के इक्वल बचा, एंड बिकॉज देर आर टू आइडेंटिकल पार्ट्स तो टू टाइम्स एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, तो हम क्या करेंगे टू टाइम्स सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई, इसकी रेडियस क्या है 21 का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल पाई 22/7 इंटू 21 इंटू 21 7 3 21 21 3 63 63 × 22 करेंगे तो 2 3 6 2 6 12 126 126 ऐड करोगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, यदि हमको यदि सारा लिखना नहीं है एमसीक्यू है तो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर अस, क्योंकि हमको शो ही नहीं करना है कि इसका माइनस इसका प्लस, हमको बस समझना है कि ये वाला एरिया डिडक्ट हो गया, हम यदि एरिया निकालते हैं तो इस सेमी सर्कल का एरिया हटाना है और इस सेमी सर्कल का एरिया ऐड करना है, एंड दे आर आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम रेडियस है दोनों की, तो हम इसको हटाएंगे इसको ऐड करेंगे, मतलब हमने कुछ नहीं किया, सिंपली एक ही सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और दूसरा भी आइडेंटिकल है सेम टू सेम, तो हम इसका डबल कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये सब हम मेंटली कैलकुलेशन कर ले दिमाग में, तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है, कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगी, तो वो जो क्वेश्चन 3-4 नंबर में आते थे तो उसमें हमको सारा डिटेल में लिखना भी पड़ता था, अभी आपको लिखना नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि आपने इसकी रेडियस इतनी क्यों ली क्या लिया है ना, आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन करनी है, तो डेफिनेटली ये जो बड़े नंबर में क्वेश्चन आते थे इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, देखो जो पेपर होता है ना वो बैलेंस होता है, कुछ क्वेश्चंस होंगे कम मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन होंगे ज्यादा मार्क्स के, मतलब मार्क्स वाइज 1-1 मार्क के, बट टाइम किसी में बहुत कम टाइम लगेगा, जैसे प्रोबेबिलिटी है उसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कुछ सोचना नहीं होता कुछ लिखना नहीं होता, आप डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हो, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रियल नंबर से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलीनोमियल्स के भी आपके ओरली हो जाते हैं, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है और आपको अपना लेवल ही इंक्रीज करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी इंप्रूव करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाए कि इसमें क्या करना है, सोचना नहीं पड़े, एग्जाम सोचने के लिए नहीं होती है, सोचने का टाइम अभी है आपके पास, अभी जो एक महीना है इसमें सब सोच लो विचार लो कि क्या करना है किस क्वेश्चन में कैसे करना है कैसे कैलकुलेशन जल्दी करनी है कैसे टाइम बचाना है कैसे एक्यूरेसी बढ़ानी है, ये सब काम अभी करने का है, वहाँ बैठते ही सोचते हैं हम पेपर में कि इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में ये आएगा तो क्या पूछेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये पूछेंगे तो क्या आंसर आएगा, जो बहुत अच्छी स्टडी करते हैं वो बच्चे बोर्ड के पेपर के पहले बहुत सारा पेपर डायग्नोज भी कर लेते हैं, मतलब गेस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे ये इंपॉर्टेंट है ना, जब थोड़ा ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपको आ जाती है चीज़ें तो आपको पता होता है क्या पूछने लायक है क्या नहीं है, हाँ। और कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे 50% पेपर बहुत ईजी होता है बेटा, बोर्ड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल, बस पढ़ने की ज़रूरत है, मेहनत करो पढ़ते रहो अपने आप नंबर आएंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है कि 50% पेपर आपका बहुत ईजी होगा कि आप फटाफट कर लोगे आपको दे के हाँ आता है, पर जो आता है उसमें भी गलती नहीं करनी है ना, उसमें कोई भी मिस्टेक कोई एरर की गुंजाइश नहीं रखनी है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर स्कोरिंग फुल मार्क्स, और कर सकते हो आराम से कर सकते हो, मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हम तब से कर रहे हैं, हमारा रिविजन्स भी कम्प्लीट होने वाले हैं, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, तो
हर पेपर आपको जो भी सैंपल पेपर से जो भी है क्वेश्चन से उसको बैठ के उसी तरह से टाइम लिमिट देख करके किया करो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग फॉर्म बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनकी रेडियस 5.78 4.3 है, रिंग का एरिया निकालना है तो आपको क्या पता है पाई आर माइनस आर आर प्लस आर, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने दी 3.1416 मल्टीप्लाइड बाय एक बार इनका डिफरेंस एक बार इनका सम, इनको ऐड करेंगे तो 7 3 10 1 5 4 9 × 10 हो गया और इनका डिफरेंस निकाल दें तो 0.7 - 0.3 = 0.4 एंड 5 - 4 = 1.4, ये 1.4 × 10 हो गया तो सिंपली इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दें, ये डेसिमल से हट गया तो 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई 3.1416 के हो गया, 22/7 करेंगे जल्दी आ जाएगा ये 22/7 × 14 है, 7 × 14 22 = 44, ये आंसर आ गया 3.1416 से तो ये आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि 3.1416 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3.1416 × 14 दिस विल गिव यू 43.9824। तो ये ऐसी बेवकूफियाँ ये प्रिंट में कर देते हैं बुक्स वाले तो उसको मत देखो, आपको जब पाई में 22/7 वाला मल्टीपल दिख रहा है और आंसर में भी डेसिमल वाला है नहीं है तो पता चल रहा है डेसिमल में है तो मत करो, डायरेक्ट कर लो पाई 22/7 करके कर लो जल्दी आ गया आंसर 44 ऐसे ही आ रहा है। ये करते हैं ऐसा तो सिंपल पेपर्स की बुक्स इसलिए बहुत ज़्यादा रिलायबल होती नहीं है पर ठीक है कर लो एक बार तो आपको आइडिया रहता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, और इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा हिल भी जाते हैं कि गड़बड़ हो रही है ना, अभी आप बोलते हैं कि मैम पाई की वैल्यू रख के तो आंसर ही नहीं आ रहा है तो थोड़ा अपना दिमाग लगा लो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडजॉइनिंग फिगर OABC इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 7, OAC इज अ क्वाड्रेंट, अब आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पूछा है तो स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है, स्क्वायर की साइड 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस क्वाड्रेंट का एरिया मतलब 1/4 पाई 22/7 इसकी रेडियस भी क्या हो 7 × 7 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल 11 77/2 49 - 77/2 आंसर डेसिमल में ही आएगा तो 49 में को इसको डिवाइड कर दें 38.5 आएगा तो 38.5 को माइनस करेंगे 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, ये अच्छा लगा था मुझे क्वेश्चन, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, हमने क्या किया एक 100 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कुलर शीट उसमें से एक सेक्टर कट किया, द एंगल ऑफ द सेक्टर बीइंग 240 डिग्री का एक सेक्टर कट कर दिया जिसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर, हाँ एंगल है 240 डिग्री, इफ अनदर सर्कल ऑफ द एरिया सेम एज द सेक्टर इज फॉर्म, अब यदि हम एक और सर्कल बना रहे हैं जिसका एरिया इस सेक्टर के एरिया के इक्वल हो तो रेडियस बतानी है नए सर्कल की, तो आपको क्या पता चल रहा है कि इस सेक्टर का एरिया मतलब 240/360 पाई को पाई ही रहने दो इसकी रेडियस है 100 × 100 इक्वल टू क्या होगा नए सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए आपके पाई से पाई कैंसिल, ये 12 × 24 12 × 36 तो 100 × 10 1000/3 ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, फॉर अदर सर्कल ऑफ द एरिया सेम एज सेक्टर इज फॉर्म देन रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल इज, अब हमको इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 100 का स्क्वायर रूट तो 10 हो गया तो 10 के साथ अंडर रूट क्या बचेगा 10/3 10√10/3 √10/3 की वैल्यू निकालें तो ये 3 × 3 = 9 आया 3.1 बचेगा 3.3333 चलता जाएगा और हम 3.3333 की वैल्यू निकालें डेसिमल में तो क्या आएगी √3.333 तो 1 से जाएगा 1 + 1 = 2 या -1 = 2 अभी 33 हो गया तो 5 से करेंगे 25 × 1 = 29 तो 25 × 1 = 27 × 7 = 49 सो इट इज 14 15 16 17 18 कम है तो वो एग्जा करें 28 8 8 64 बचेगा 6 8 16 6 20 तो 8 आएगा
इसकी वैल्यू अराउंड 1.8 है, तो 10 इंटू 1.8 करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 10 इंटू 1.8 इस 18, यह आंसर ही नहीं है। हाँ 243 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सर्कल का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हुआ, ये हुआ 12 2 24 12 36। ओ मेरे टू रह गया मल्टीप्लीकेशन में, ये टू मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ना ऊपर, ओके तो टू का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टू का स्क्वायर रूट 1.414, तो ये मेरा क्या आया था 18 ना, 1.8 18 into 1.414, तो 8 उल्टा कर लूँ मैं इंटू 18, तो 18 कह दिया है 1 18 4 72 173 37, 18 18 25 25.38 के अराउंड आ रही है, ये आंसर तो किसी भी तरह से नहीं आ रहा है। चलो एक बार फिर से इसको करते हैं, हमने किया था 240 अपॉन 360, पाई कैंसिल हो जाएगा, आर है 100 into 100, और अब हमको इसका क्या लेना है स्क्वायर, तो हमारा क्या हुआ 00 कैंसिल, 12 2 24 12 36, 100 into 100 इस अच्छा 100 into 100 बाहर 100 आ गया, अंडर रूट में बचा 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 की वैल्यू मैं डेसिमल में कैलकुलेट कर लूँ, तो 2 divided by 3 0.66667 इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसकी वैल्यू आ गई 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 100 है 81 हो जाएगा, 81.1 आंसर आएगा, 81.67 आ रहा है तो 81.5, मैंने पहले कुछ गड़बड़ कर दी होगी है ना, वो टू छूट गया था ना उस वजह से हुआ सारा गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड था के फोर्थ ऊपर है, इफ अ सर्कुलर ग्रास लॉन ऑफ 35 मीटर रेडियस has a path 7 meter wide running around it, then the area of the path, circular grass lawn 35 meter radius और इसके आसपास path है जिसकी width है 7 meter, तो हमने 2r + b करके formula किया था, 2r + b something किया था, हाँ ये radius आ रहा है और ये radius क्या होगी 35 + 7 that is 42, तो हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो 22 अपॉन 7, इनका डिफरेंस तो 7 ही आएगा, इनको ऐड करेंगे 35 और 42 को, दैट इज 2r + b, पाई बी 2r + b, ये फॉर्मूला निकाला था हमने बात कर डायरेक्टली प्रूव किया था, पाई बी 2r + b, अंदर वाले रेडियस का डबल कर दो क्योंकि इसकी रेडियस के लिए उसको 7 ऐड करना पड़ेगा प्लस विड्थ ऐड कर दो है ना, तो पाई बी 2r 35 + 70, 70 + 7 = 77, ये कैंसिल हुआ, 22 7 = 154 और मल्टीप्लाइड बाय 11 7 = 154, तो 154 154 ही तो होगा, 154 154 496 1694, तो आपका आंसर क्या रहेगा 1694 meter square। नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ, इफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज दिस देन पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज, सेमी सर्कल का एरिया मतलब हाफ पाई 22/7 आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 1.5400 गिवन है, तो सबसे पहले तो 22 7 = 154 होता है तो बचा 700, ये 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 7 का स्क्वायर हो गया 4900 और ये 2 भी मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है तो ये आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा ये तो बन गया 70√2, तो रेडियस आपकी आ गई 70√2। अब हमसे क्या पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर मतलब 22/7 इंटू 70√2 प्लस 2 × 70√2, ये 7 से कैंसिल हुआ 10, 22 10 = 220√2 और प्लस होगा 140√2, √2 √2 लाइक टर्म से ऐड हो जाएगी आंसर क्या आएगा 360√2,
ये ऑप्शन आपका पेरीमीटर का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ साइड सिक्स। तो आपको पता है साइड सिक्स है और उसके अंदर यदि हम बनाएंगे जिसका डायमीटर सिक्स होगा तो रेडियस क्या होगी पाई आर स्क्वायर मतलब सिक्स का स्क्वायर 36 पाई डायरेक्ट हो जाए। गलत हो गया, डायमीटर सिक्स हुआ तो रेडियस क्या होगी सिक्स का हाफ दैट इज थ्री तो 9 पाई होगा। ये गलती होने की चांस है, डायमीटर सिक्स है तो रेडियस थ्री हुई तो पाई आर स्क्वायर में थ्री का स्क्वायर रखेंगे तो आंसर 9 पाई आएगा इंस्टेड ऑफ 36 पाई। और ऐसे डायरेक्ट कर दोगे तो गड़बड़ हो सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल विच टच ईच अदर एक्सटर्नली। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और उनके एरिया का सम 153 पाई। इफ द सम ऑफ देयर रेडियस इज 15 देन रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर रेडियस इज। दोनों की रेडियस का रेशियो तो हमने मान लिया ये कैपिटल आ रहे हैं ये स्मॉल आ रहे हैं उल्टा मतलब। तो क्या हो गया कि आपका दोनों के सर्कल की रेडियस का सम मतलब आर प्लस आर की वैल्यू 15 है और दोनों के एरिया का सम मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर पाई कैन बी टेकन कॉमन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 153 पाई। पाई पाई कैंसल, हम यहाँ से कैपिटल आर की जगह 15 माइनस आर लिख सकते हैं तो यहाँ क्या होगा 15 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 153। इसको स्क्वायर करेंगे आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो ये क्या होगा 225 प्लस आर स्क्वायर माइनस 30 आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 153 इक्वल टू 0। 225 में से 153 को माइनस करोगे 5 माइनस 3 इज 2 22 माइनस 15 इज 72 माइनस 30 आर और ये प्लस 2 आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑल द नंबर्स आर इवन सो डिविजिबल बाय 2 डिवाइड कर दें 2 से और इसको रीअरेंज कर दें तो बनेगा आर स्क्वायर माइनस 15 आर प्लस 36 इक्वल टू 0। 36 12 3 36 एंड 12 प्लस 3 इज 15 ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 12 आर माइनस 3 आर प्लस 36 इक्वल टू 0। आर कॉमन लेंगे बचेगा आर माइनस 12 माइनस 3 कॉमन लेंगे बचेगा आर माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आया आर माइनस 3 इंटू आर माइनस 12 इक्वल टू 0। या तो रेडियस 3 है या रेडियस 15 है, पता नहीं मुझे करते करते लग रहा था क्वेश्चन किया है तो सकता है मैंने पहले भी कर लिया हूँ। स्मॉल आर 3 या 15 तो इसका सिंपल रीजन ये कि हमने इसकी रेडियस 3 ले ली तो ये 15 माइनस 3 करके सॉरी आर 3 और 15 है 12 15 नहीं आ सकती 12 सॉरी क्योंकि दोनों का सम 15 था। हाँ तो हम ये 3 लेंगे तो 15 माइनस 3 इज 12 ये 12 लेते तो वो 3 आ जाती तो दोनों रेडियस हमारी आ गई 12 एंड 3। पर हमसे यार रेडियस नहीं पूछी है रेशियो पूछा है लार्जर टू स्मॉलर तो 12 अपॉन 3 करेंगे तो रेशियो क्या आएगा 4:1। ये बात ध्यान रखना लार्जर टू स्मॉलर बोला है तो 4:1 स्मॉलर टू लार्जर पूछा होता तो 1:4 रेशियो में आंसर चेंज हो जाता है। ये बात आपको याद हो जाना चाहिए इनसे बता रहे हैं ठीक है। तो विद दिस फिलहाल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का रिविजन ओवर, कल से हम शुरू करेंगे लास्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस। तो गेट रेडी विथ ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।